बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं। लास्ट वीडियो हमने डॉक्टर साहब के साथ की थी, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और उस हवाले से 12 बरूज पर क्या असर पड़ने वाला है। 6 बरूज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, बाकी 6 बरूज डॉक्टर साहब से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किसके लिए अच्छा टाइम है और किसको कहाँ कहाँ पे एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अब बताएं, पहले 6 बरूज तो हमने डिस्कस कर लिए, अगले 6 बरूज के हवाले से हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। ये बेसिकली ना वीडियो करने का मकसद ये है कि अच्छी चीज़ें समझ आए इनको और हम एक हल्के स्टाइल से एहतियात भी बता रहे हैं ताकि लोगों की लाइफ बेहतर हों। ये बेसिकली ना ये खुशखबरी का टाइम है उन बुरूज के लिए, 12 बुरूज के लिए, वो जिनके साथ माजी में कोई ज़्यादती हुई है या उनके साथ अगर किसी ने कोई जुल्म ज़्यादती की है तो उसकी भरपाई का टाइम जो है वो ये है। और उन लोगों के लिए ज़रा ये थोड़ा सा वार्निंग का टाइम है कि जिन्होंने किसी के साथ किया, चाहे वो हुक्मरान है चाहे वो, वैसे अवाम भी करते हैं ज़्यादती अपने साथ किस तरह से कि वो जुल्म बर्दाश्त करते रहते हैं, ऐसे ही। 12 हम अपने बुरूज के ऊपर आ जाते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो मीज़ान है, उर्दू अरबी फारसी में मीज़ान, इंग्लिश में लिब्रा। लिब्रा का जो हाकिम सयारा है वो है वीनस, या वो ख़वातीन और हजरात जिनके नाम का पहला हर्फ है रे, ते और तोए, वो भी जो है ना वो मीज़ान के साथ उनका ताल्लुक है, उनके लिए ये सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने का जो टाइम है, सैटर्न जो उल्टा चल रहा है उसमें उनको क्या फ़ायदा आएगा, क्या एहतियात करनी है उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि जो लिब्रा वाले हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, फ्यूचर से रिलेटेड उनकी स्ट्रेटजीज जो हैं उसकी फॉर्मेशन तेज़ होगी, मुस्तकबिल से रिलेटेड जो आपकी सरगर्मियाँ हैं वो आपकी ओवरऑल तेज़ होती नज़र आती हैं। चैलेंजेस आएंगे आप गुजरते जाएंगे, शॉर्ट चैलेंजेस आएंगे गुजरते जाएंगे इंशाल्लाह। सरमाया करी बहुत एहतियात से करनी है आपने, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, आपने एहतियात बरतनी है, ठीक है। बाकी ये है कि जब आप एहतियात कर लेंगे तो फिर आपकी सरमायाकारी इंशाल्लाह मुनाफा बख्श होती हुई वो नज़र आएगी। किसी अहम डिसीजन के ऊपर या एक से ज़्यादा अहम डिसीजंस के ऊपर आप पहुंचते हुए नज़र आएंगे, लिब्रा वाले मेल हैं या फीमेल हैं। ख़ास तौर पर जो लिब्रा हाउस वाइफ हैं वो अपनी औलाद से रिलेटेड बहुत सारे अहम फैसले वो करती हुई नज़र आएंगी। स्टूडेंट्स जो लिब्रा हैं वो अपने फ्यूचर एजुकेशनल कैरियर से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं कि हमने यहाँ पे पढ़ना है, अपने मुल्क से बाहर पढ़ना है, किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करनी है, इस तरह के डिसीजंस जो हैं ये लेते हुए नज़र आएंगे लिब्रा स्टूडेंट्स। फजूल खर्ची से आपने गुरेज करना है, खर्चे आपके थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं और कुछ मामला आपके ऐसे हैं कि जिसमें आपको लोगों की हेल्प सपोर्ट चाहिए, वो इस टाइम में आपको अल्लाह के हुक्म से मिलती हुई नज़र आएगी। अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने का मौका आपको मिलेगा किसी भी हवाले से, जॉब के हवाले से है, स्टडी के हवाले से है, करियर है, बिजनेस है, आपकी ओवरऑल लाइफ है, लव लाइफ है, ठीक है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, इसको बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत सारे मौके आते हैं। और कुछ मकामात पे लाइफ में ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे इस 4-5 माह के अरसे में कि जिससे आपकी ज़िंदगी के ऊपर पॉजिटिव असरात जो हैं वो रूनुमा होंगे और इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि सेहत जो है ना अपनी, उसका आपने ख्याल रखना है, नाखूनों से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें कोई हेल्थ का इशू आ सकता है उसका आपने ख्याल रखना, ठीक है। नेक्स्ट सर, स्कॉर्पियो अकरब। अच्छा जी, अब आ जाता है बुर्ज अकरब। अकरब उर्दू और भी फारसी में कहते हैं और बिच्छू का निशान है, इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं। इसका जो हाकिम सयारा वो है मरीख, और जिन लोगों के नाम भट्टी साहब नून और ये से शुरू होते हैं ना वो भी समझ लें कि उनका ताल्लुक भी 90% जो है बुर्ज अकरब के साथ है, ठीक है जी। अच्छा, अब इनके लिए जो ये टाइम है इसमें ये करेंगे कि इन्होंने ना इन्वेस्टमेंट्स, जो बिज़नेस में लोग हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स प्लान की हुई थी, कुछ लोगों से सरमाया ले भी लिया है मगर एग्जीक्यूशन का टाइम नहीं आ रहा। रीज़न उसका ये था कि इन्होंने कुछ ना जो प्लान किया था वो प्लान अधूरा था, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि नई चीज़ें जो हैं वो भी ऐड करनी है, उसके लिए ये ठहरे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आए तो फिर हम इसको भी पुराने मंसूबों में शामिल करके चला दें।
अब वो टाइम है, इस टाइम में आपको इजाफी हेल्प जो है वो मिलती हुई नजर आएगी, आप अपनी पसंद की जो चीज़ें हैं वो हासिल करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद सफ़र के दौरान जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना। अच्छा, रात की जो ड्राइविंग है अगर खुद ना करें तो बेहतर है किसी को साथ रखें, ठीक वो बेहतर है। और इसके अलावा आप अपने फ्यूचर के ऊपर, अगर स्टूडेंट हैं, बिजनेस रिलेटेड हैं, जॉब से रिलेटेड हैं, तो ये टाइम आपको भरपूर अल्लाह के हुक्म से तवानाई देगा कि जिसकी वजह से आप अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। सफ़र अगर आप कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जहाज़ में, उसमें भी आपने मुहतात रहना है स्कॉर्पियो वालों ने। और अपनी पोजीशन को स्टेबल बनाने के लिए आप गौर भी करते हुए नज़र आएंगे, और आप उसके लिए कोई अमली इकदाम भी थोड़े बहुत जो है वो उठाते हुए नज़र आएंगे। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप अपनी आमदन में इजाफा करते हुए नज़र आएंगे। हाउसवाइफ्स जो हैं वो अपने ही रिश्तेदारों में अपने बच्चों बच्चियों से रिलेटेड अहम उमूर, यानी रिश्ते, शादी वगैरह की उमूर के ऊपर बात करती हुई वो नज़र आएंगी, ठीक है। और आप इन्वेस्टमेंट के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी ले लेंगे। नेक्स्ट है जी बुर्ज कॉस। अरबी में, उर्दू में, फारसी में इसको क्या कहते हैं? कॉस कहते हैं इंग्लिश में सेजिटेरियस कहते हैं, ठीक है जी। सेजिटेरियस का हाकिम सैयारा मुश्तरी है, जुपिटर है, और ये भी एक आतिशी बुर्ज है, फायर एलिमेंट है इसका। और जिन लोगों का नाम एफ से शुरू होता है ना, ए बी सी डी ई एफ, या उर्दू का, अरबी का, फारसी का लफ्ज़ फे, उनका ताल्लुक भी बुर्ज कॉस के साथ होता है, ठीक है। ठीक है जी, इनके लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा, जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं, बेहतर मुलाजमत के असूल में या नई मुलाजमत के असूल में किसी अहम शख्सियत से इनका वास्ता पड़ेगा, और उसकी सिफारिश या उसकी हेल्प से या उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर इनको जॉब्स मिलती नजर आएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो सेजिटेरियंस गवर्नमेंट सेक्टर के साथ अटैच्ड हैं, गवर्नमेंट के साथ मिलके प्राइवेट अपने तौर पे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, उनकी तरक्की के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जो निजी सरमायाकारी जिन्होंने की हुई है उसके जो नताइज हैं वो अच्छे नताइज देते हुए नज़र आते हैं। स्किन डिजीज़ इनको जो हैं इस टाइम में वो खड़ी होंगी, उसके बारे में एहतियात करें। स्किन के बारे में आप अपने खाने पीने में, ख़ास तौर पर जो स्किन है उसके प्रॉब्लम्स आते हैं, आप अगर गोश्त ज़्यादा खा रहे हैं, स्ट्रेस में ज़्यादा जा रहे हैं, स्लीप पैटर्न्स अगर आपके ठीक नहीं है, या आपने इस एनर्जी से फ़ायदा उठाना है, ये आपको प्रॉपर एनर्जी आएगी इस टाइम के अंदर, आप अपने जो पर्सनल मामलात हैं उनके अंदर ख्याल रखें। अखराजात और आमदन में आपने तवाज़ुन रखना, ठीक है सेजिटेरियंस ने। और ये है कि अगर आपने कोई प्लान किया हुआ है सफ़र, ठीक है, अगर आप उसको चेंज करेंगे तो परेशानी का बायस बनेगी वो चेंज। अच्छा, ओके जी, मैं फिर कर लूँगा, बाद में हो जाएगा। जो प्लान किया हुआ उसको आपने कोशिश करना है एग्जीक्यूट करें, और करते हुए आप लोग नज़र भी आते हैं इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा आपके जो ख्यालात हैं अपने घर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, जॉब से या बिजनेस से रिलेटेड, उनको आप अमली जामा पहनाते हुए वो इस टाइम पीरियड में नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। और स्किन का मैंने आपको बता दिया है कि इनको स्किन के इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है जी। अगला नेक्स्ट जद्दी। नेक्स्ट आ जाता है जी बुर्ज जद्दी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू, फारसी और कैप्रिकॉर्न। इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी है ना? हाँ जी, नहीं नहीं, इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न, उर्दू इंग्लिश, उर्दू, अरबी और फारसी में जद्दी कहते हैं जी। इसका जो हाकिम सैयारा है ये जुहल है, या वो ख़वातीन हज़रात जिनके नाम का पहला हर्फ जेड है ना, या जे जाल जोए, उनका ताल्लुक भी बुर्ज जद्दी के साथ है, या गाफ सीन हे और जीम जिनके नाम के पहले पहले हर्फ हैं, मर्द हैं या ख़वातीन हैं, उनका ताल्लुक भी जो है बुर्ज जद्दी के साथ है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन जो है सैटर्न के रेट्रोग्रेडेशन के टाइम पीरियड में वो बताता हूँ कि जो कैप्रिकॉनियंस बिजनेस के साथ रिलेटेड हैं उनको बिजनेस में अच्छी कामयाबियाँ, उनका एक अच्छा परसेंटाइल जो है वो मिलता हुआ नज़र आता है इंशाल्लाह ताला। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बातचीत से रिलेटेड, लिखने लिखाने से रिलेटेड, पब्लिशिंग से रिलेटेड मैटर्स के अंदर आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है, ठीक है। इस दौरान में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपकी गाड़ी जो है वो अपग्रेड करते हुए आप नज़र आते हैं बेहतरी की तरफ, कम्युनिकेशन के मीन्स जो हैं आपके उनके अंदर आप बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह ताला। और दूसरा ये कि
आपकी जो लाइफ पार्टनर हैं या आपके लाइफ पार्टनर हैं उनसे तआवुन लेने में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल का आपको सामना करना पड़ सकता है, मगर अल्टीमेटली आपको तआवुन जो है वो थोड़ी सी तगो दौ के बाद मिन्नत तल्ला करके हाँ वो हासिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों की तरफ से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, माली फ़ायदा भी और खुशी का बायस जो है वो ठीक दोस्त है आपके बनते हुए वो नज़र आएंगे। कारोबारी मसरूफियत जो है वो आपकी बढ़ती हुई नज़र आएगी। नर्व्स के ऊपर, आपके न्यूरॉन्स के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, लिहाजा ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो रिलैक्सेशन का दें, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे अनसीन पॉजिटिव काम जो हैं वो आपके हिस्से में आते हुए नज़र आएंगे। बाकी आपने ये करना है कि रुपए पैसे के जो हैं मामलात उनके अंदर आपने थोड़ा सा एहतियात बरतनी है, एहतियात करनी है, ठीक है, लेन ठीक है, देन में, लेन देन में। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी सेहत है वो आपकी जो दांतों से रिलेटेड हेल्थ है वो, या जो नाक से रिलेटेड हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होने का ख़तरा है। तो दांतों का तो आसान सा तरीका है कि आप अपनी केयर करें, दो दफ़ा ब्रश कर लें या जो भी खाएं देख के खाएं, बहुत सारे तरीके हैं। बताने का मकसद भट्टी साहब यही होता है कि ये चीज़ें नज़र आती हैं, प्रिकॉशंस जो हैं ये आप ले लें। और इसके अलावा जो आपके हैं ना सोशल अफेयर्स, समाजी काम जो उनके अंदर जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं ना उनकी तरफ से भी रवैया अचानक आपकी तरफ बेहतर होता हुआ वो नज़र आता है जी। ठीक जी नेक्स्ट जो है इंग्लिश में तो कहते हैं एक्वेरियस, ठीक है अरबी उर्दू फारसी में कहते हैं दलव। ठीक है दलव जो है इसका मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हाकिम सैयारा है वो तो यूरेनस है, ठीक है इसका लकी नंबर नॉर्मली 4 होता है, और वैसे जो कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर हाकिम सैयारा जोहल यानी सेटन ही है, या वो अफराद ख़वातीन हैं हज़रात हैं जिनके नाम का पहला वर्ड एस है, ठीक है अगर उर्दू अरबी फारसी में है तो सीन शीन से और स्वाद जिनके नामों के पहले हर्फ हैं उनका ताल्लुक भी 90% जो है वो एक्वेरियस के साथ है, वो ठीक है दलव के साथ है। अच्छा अब हम आते हैं इसकी रीडिंग के साथ, रीडिंग की तरफ। दूसरे लोगों का जो एटीट्यूड है ना आपकी तरफ वो कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, मगर आपका जो बर्ताव है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक तो है आपके बहुत सारे रुके हुए काम आपकी ज़बान की मिठास की वजह से उन लोगों से पॉजिटिव हो जाएंगे जो आपकी तरफ पॉजिटिव नहीं लोगों के हैं। रवैयों का मसला आएगा। लोग रवैयों का इशू हाँ आ सकता है, और जो आपके हैं ना पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स, उनकी तरफ से आपको आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कॉपरेशन रिक्वायर्ड होगी, ठीक है और बहुत हद तक आपके साथ कॉपरेशन होती हुई नज़र भी आएगी इंशाल्लाह ताला। कुछ लोग जो हैं वो आपके लिए ज़हनी परेशानी का बाईस बायस पर बन सकते हैं, मगर ये है कि आपने इसको अगर वीडियो को देखा तो जहन में रखिएगा कि ये टाइम को 2-3 हफ्ते से ज़्यादा का नहीं होगा, वो एनर्जीज मूव ऑन कर जाएंगी जो नेगेटिवली आपको ठीक इम्पैक्ट कर रही हैं। इसके अलावा जो ख्वाहिशमंद सॉरी जो है ना ख्वातीन हाउस वाइफ जो हैं वो ख़रीदारी करेंगी मगर फजूल खर्ची कर बैठेंगी, जिसकी वजह से इनके बजट्स जो हैं डिस्टर्ब हो वैसे ही जाएंगे। ऑलरेडी बजट जो है वो, तो फिर ये है कि इनको ख्याल रखना चाहिए। रोमांटिक अफेयर्स जो हैं उनका मौका आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, वेरी गुड यानी आप किसी को पसंद कर सकते हैं जो आगे जाके शादी ब्याह में कन्वर्ट हो जाए, पसंद के फायदेमंद रोमांस के, होगा, हाँ रोमांस के जो मामलात हैं वो भी आपके पॉलिश होते हुए नज़र आते ठीक हैं है इसके अंदर। इसके अलावा जो प्रोग्रेस करने का, तरक्की करने का जो आंसर है, एलिमेंट है, वो गालिब रहेगा आपके ऊपर। ठीक है आप सोचेंगे इस अरसे में कि मैं कहाँ से कैसे कैसे क्या करूँ तो अल्लाह मुझे तरक्की दे सकता है, तो इन चीज़ों की सोचें जो हैं ये दिमाग में आएंगी, एग्जीक्यूशन की तरफ जो हैं वो आपको लेके जाएंगी और आपकी तफरीही सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है और उसमें दोस्त आएंगे, फैमिलीज आएंगी, ये इनकी मदद से आपको स्पोर्ट्स की तरफ जो है ना रुझान वो इस अरसे में दोबारा हो जाएगा आप लोगों का। सेहत में आप लोगों ने अपने जोड़ों का ख्याल रखना है, हड्डियों का ख्याल रखना है, मतलब ख़ास जो बोन हेल्थ है ना उसका ख्याल रखना है जी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी, लास्ट लास्ट बट नॉट द स्पाइसेस। लीस्ट अच्छा स्पाइसेस जो है स्पाइसेस बुर्ज हूत, हो ठीक है जी। उर्दू अरबी फारसी में हूत है, इंग्लिश में पाइसेस है। 20 फरवरी से 20 मार्च तक का अरसा है, या वो ख़वातीनों हज़रात के जिनके नाम के पहले हरूफ दाल हैं और चे हैं तो उनका ताल्लुक भी बहुत हद तक पाइसेस से है, जिसका अगेन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेपच्यून प्लैनेट है हाकिम, मगर असल में जो है वो मुश्तरी है,
ठीक है जी, ठीक है, इस इनका जो हाकिम से आ रहा है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि जिस्मानी सेहत जो है, ज़हनी सेहत, जिस्मानी सेहत जो है उसका ख्याल रखना है, ओवर वर्क नहीं करना है इस अरसे में। अच्छा, ये ओवर वर्क की बीमारी हो जाती है इनको, तो ओवर वर्क नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा सरमायाकारी अगर आप करते हैं, बिजनेस आप कर रहे हैं, तो दूसरे अफराद जो हैं, फ्रेंड्स फैमिलीज, ये आपको सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस वेंचर एम्बिशंस के अंदर। और ये चीज़ अगर इस टाइम में कर लेते हैं तो ये लॉन्गर रन में जाके आपको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह, और बहुत सारी चीज़ें आपकी सोच समझ से बाहर जो हैं वो अल्लाह ताला आपको अता करता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। आपने जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना है, किसी परेशानी का सामना आपको खुदा ना खासा नहीं होना चाहिए। एनर्जी ड्रेन्स का मसला होता है, ख़ासतौर पर जो पाइसेस ख़वातीन हैं उनका मसला ये होता है कि उनकी एनर्जी जो है वो ड्रेन आउट कर जाती है। बाकी जो आपकी ज़ाती ख्वाहिशात हैं या आपके बच्चों से जुड़ी ख्वाहिशात हैं वो इंशाल्लाह पूरी होती नज़र आती हैं। ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के फैमिली फंक्शंस, गेट टुगेदर्स में सहेलियों के साथ, वो इस फेज़ में जो है ना वो आती वो नज़र आ सकती हैं। फिर आगे आपको पता है महरमुल हराम है, मिलना मिलाना लोगों का बिल्कुल कई दफ़ा बढ़ जाता है, तो ये वाली चीज़ जो है ये इनके अंदर होती हुई नज़र आएगी। रोमांटिक मामलात जो हैं उनको ज़रा तवज्जो दें, आप ये देखें कि कोई आपको ओवर यूज़ तो नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। अगर कर रहा हो तो फिर आप देखेंगे आपने क्या, आपने क्या करना है। हाँ, और दूसरा ये है जनाब के जो शर पसंद अनासर है ना, फसाद फैलाने वाले, हाँ, वो आपके खिलाफ कोई इकदाम उठा सकते हैं। आपने अपनी जान का भी ख्याल करना है और बाकी माल का, फैमिली का जो है वो भी आपने ख्याल रखना है। बाकी आप ये कीजिए कि नए घर के हसूल के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अक्टूबर के बाद जो है अपना नया घर जो है उसको बनाने का सोच सकते हैं। आपके लिए रिसोर्सेज भी कुदरत की तरफ से आते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह, और ये चीज़ अगर आप नियत के साथ करते हैं तो फिर वो चीज़ एग्जीक्यूट भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर। 12 बुरूज डिस्कस किए दो वीडियोज़ में, पहली वीडियो आपने 6 बुरूज देखे, दूसरी वीडियो में 6 बुरूज। अपना कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।